mind, inadequacy of the finance available, cash flow lending, and other aspects. Why our SME are not getting the funds? That is also an important issue. So I will not take time. I will ask Mr. S. Vijay Kumar. Stage is yours, Mr. Vijay Kumar. Pankaj. Slide. So, namaskar. Adarni Mukesh Kumar Saab, Gupta Saab, Chintan Sir. आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और खुशी इस बात की हो रही है कि चाहे पहला सेशन हो या अभी का सेशन हो, बार बार एक ही चीज़ याद की जा रही है. एक वर्ड है बैंक, दूसरा है क्रेडिट, बीच बीच में कुछ शब्द आ रहे हैं कोलेटरल, और सब लोग आप लोग बड़े सीरियस हैं. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब तो एंजॉय करना होता है ना, तो मेरे ख्याल से सीरियस मत रहिए. और मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास. सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 मिनट पहले मेरे को जरा बता दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो लास्ट 3 मिनट में बताऊंगा. स्टेज आपके स्टेज है. ओके, लेट मी शुड रिप्लाई द क्वेश्चन आल्सो. हां, दैट वी एंजॉय. या प्लीज यू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन. या देन एनी क्वेश्चन विल बी देयर. या सो ओके, थैंक यू सर. सो एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट. एक तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी जनता के लिए कि सब क्रेडिट ही नहीं मिलती है, उसके बाद अफोर्डेबल भी है, यानी आपको बिल्कुल चीप रेट पे चाहिए. बिलीव अस, वी आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी आर बैंकर टू एवरी इंडियन. हम आपको क्रेडिट देते हैं, और हम क्या दे रहे हैं ये मुकेश कुमार सर, हम लोग उनके गाइडेंस में हर क्वार्टर में जब हम लोग एमएसएमई डिस्कशन पे मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बीइंग ए कंट्रीज बिगेस्ट लेंडर बैंक हम लोग सीखते हैं और हम लोग बताते भी हैं. सबसे बड़ी बात जब अफोर्डेबल क्रेडिट की आती है, तो वक्त पे जो आपका साथ दे, जब आपको जरूरत, ए फ्रेंड इन नीड, ये आपके लिए ऐसे फिनांसर को चूज करना बहुत जरूरी है. आज आप bankbazaar.com में जाइए, आपको क्रेडिट की कोई कमी नहीं है, अफोर्डेबल क्रेडिट की भी कमी नहीं है, मिल जाएगी. लेकिन जब आपकी लिमिट की जो रिक्वायरमेंट होगी, आपकी एक्चुअल नीड जो है वो मीट आउट हो रही है कि नहीं. अभी जब मैं सुबह आके बैठा था, तो एक साहब कह रहे थे और कि साहब जिनको जरूरत नहीं होती है उनको तो लोग बुला बुला के देते हैं, और जिसको जरूरत होती है उसको मांगने पे भी नहीं मिलता. Isn't it? यकीन मानिए, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहां मौजूद हूं, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है. यदि आपकी रिक्वायरमेंट हमें पता लग जाए, तो हम आपके पास क्रेडिट के लिए अवेलेबल हैं. मेरा फिकी से ये विनम्र अनुरोध है कि इस कमरे में बैठे चंद लोगों तक ये बात न रहे, ये बात आप एंटायर द राजस्थान स्टेट आप इसको पहुंचाइए. मैं यहां इस बात को कहने के लिए सिर्फ कुछ स्लाइड लेकर के नहीं आया हूं, मैं अपने पूरे राजस्थान की टीम को लेकर यहां आया हूं. आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली फिकी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा राजस्थान हमारा 6 मॉड्यूल्स में बैठा हुआ है, जयपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एंड जोधपुर, और सारे मॉड्यूल्स के जो एसएमई हेड हैं, एजीएम एसएमई हैं, वो यहाँ मौजूद हैं. अब आती है बात कि अफोर्डेबल क्रेडिट हम आपको कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं. इसके पहले आपको एक चीज में जरूर निवेदन करना चाहूंगा. देखिए, इंग्लिश हम बहुत बोल सकते हैं, स्लाइड बहुत दिखा सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काम की बात है भाई. बिजनेस धंधे में आप भी हो, हम भी हैं, सीधी सी बात है. हम भी यहाँ कोई भी चीज ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपके धंधे में आपका पैसा लगा हुआ है.
लेकिन हम जो धंधा कर रहे हैं उसमें भी आप ही का पैसा लगा हुआ है, हम डिपॉजिटर्स के लिए भी उतने ही सेंसिटिव हैं। तो जब अफोर्डेबल क्रेडिट की बात आती है, आप भी अपने किसी डेटर को, ऐसे डेटर को पैसा नहीं देंगे जो आपको टाइम से वापस ना कर पाए, या आप देते हैं तो आप कुछ पैसा देने के बाद कुछ तो बट्टे खाते में आप भी डालते होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही है, खासकर गुप्ता साहब से सुबह बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया था, और ये जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं ये हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट के ऊपर दे रहा हूं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमारा एनपीए परसेंटेज सबसे कम है फॉर उन अकाउंट्स में जिनका अकाउंट 1 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर जिसपे हमने दिया हुआ है। सो एक क्लैपिंग आप लोग अपने लिए जरूर करें। आपको जान के, क्योंकि ये फिगर्स हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं डाटा पॉलिसी के तहत। 14,000 करोड़ के एडवांस में हमारे पास 11,000 करोड़ का वो एक्सपोजर है। यहां मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, मेरा एक्सपोजर इससे ज्यादा है। 11,000 करोड़ का वो आउटस्टैंडिंग है जो कि हमने 1 करोड़ से ऊपर लोगों को टर्म लोन, कैश क्रेडिट या दूसरी चीजों में दिया हुआ है। इसमें नॉन फंड बेस्ड इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आप राजस्थान के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका एनपीए शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, करीब 30 करोड़ से भी कम है। कैन यू इमेजिन कि हम आपको अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों नहीं देंगे? हम बिल्कुल आपको अफोर्डेबल क्रेडिट देने को तैयार हैं। अब दूसरी बात आती है, वो हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी बात सुबह जैन साहब कह रहे थे कि 10 लाख रुपए और कम का लोन जिन्होंने हमसे लिया हुआ है वहां मेरे पास ह्यूज एनपीए है। आखिर आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि छोटी यूनिट स्टार्ट करता है उसका अकाउंट एनपीए ज्यादा होता है और आप जैसे? अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, कोलेटरल की बात यहां बहुत होती है। आपको पता है कि टेक्सटाइल हमारा सबसे रिस्की सेक्टर है क्योंकि टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिशन अक्रॉस द वर्ल्ड है। और दूसरी चीज, इवन ड्यूरिंग द कोविड, मैं आपको मार्च 2022 की पोजिशन बता रहा हूं, टेक्सटाइल में जो 3,500 करोड़ का मेरा एक्सपोजर है उसमें हमारा एवरेज कोलेटरल, जब मैं एवरेज शब्द की बात कर रहा हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 12% से कम है। कैन यू इमेजिन कि हम लेंडिंग में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। यहां मैं सिर्फ ये स्टेट बैंक का प्रमोशन करने नहीं आया हूं, दिस आई एम टॉकिंग, यू गो टू एनी बैंक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। हाँ, एक बात फर्क है, कई लोग फ्रेंड्स विद द फेयर वेदर हैं। अभी पिछली मीटिंग में एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कह दिया कि साहब पीएमईजीपी में तो मैं तो जीरो फाइनेंस करूंगा, और जो बॉडी थी उसने भी कहा हाँ साहब उनके पास ऑप्शन है, उनकी फिगर जीरो थी जबकि हमारे 500 करोड़ रुपए उसमें हमने दिए हैं और हम आगे भी देंगे। स्टार्टअप के लिए हमारी पॉलिसी है, स्टार्टअप के लिए बैंक ने 500 करोड़ का फंड रखा हुआ है इनिशियली, हम ये आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए ही हम लोगों ने रखा हुआ है। 50 करोड़ तक का जो प्रपोजल है वो हम लोग सर्कल लेवल पे डील कर देंगे। अब हमारे आपके बीच की ये जो मुकेश सर कह रहे थे कि एक्चुअली हम लोगों का जो गैप है ये गैप कैसे मिटे, एक तो अच्छी चीज है कि हम डिजिटलाइज हों, आप लोग डिजिटलाइज हों, और सर ने बिल्कुल सही कहा कि आप इंस्पेक्शन के लिए किसी को घर जाके देखना, यूनिट जाके देखना, डेज हैव गॉन, अब वो पुरानी। अब एक साहब ने कहा कि साहब ब्रांच खोलिए, डेज हैव गॉन, हमें ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है, एंटायर यदि मैं जोधपुर मॉड्यूल की बात करूं तो जोधपुर मॉड्यूल के अंतर्गत जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके एंटायर क्रेडिट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक फेस हमारे पास है, सिंगल फेस है, और हम आपसे सारे सोशल मीडिया से, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, अदरवाइज हम जुड़े हुए हैं। सिर्फ आपको हमारा एंटायर प्रोसेस इज टोटली ट्रांसपेरेंट, तो आपको सिर्फ इतनी करनी है। और ये बात मेरी फिक्की से रिक्वेस्ट है, जो वाकई इसके जिन जो इनके बेनिफिशियरीज हैं उन तक प्लीज हमारी ये बात पहुंचाइए। हम लोग तो अपने वेबसाइट वगैरह से बात कर ही रहे हैं, हम लोग टाउन हॉल मीटिंग्स भी करते हैं, हम लोग कस्टमर एसएमई मीट भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आपका जैसा फोरम ये मैसेज देगा, और नो नीड गैदरिंग की जरूरत नहीं आज के जमाने में, सोशल मीडिया पे उन लोगों को बाय ईमेल और इंटर्न रिक्वायरमेंट की चीज हमको भी पहुंचाइए। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि साहब एक यूनिट है,
इस क्लस्टर में ये आदमी काम कर रहा है, इसका मोबाइल नंबर ये है, दैट इज एनफ फॉर अस। यकीन मानिए, हम यदि 24 घंटे में नहीं पहुंच सके आपके पास, तो 48 घंटे में जरूर पहुंच जाएंगे। राइट प्लीज नेक्स्ट। दो मिनट बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लूंगा। एक्सेसिबल एंड अवेलेबल एंड रीजनेबल प्राइसिंग, ये आपने देख ही दिया है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी जब मैं ये कहता हूँ कि आप प्लीज सीएलपी पर आइए, तो उनको हेजिटेशन होती है। देखिए, शुरू शुरू में हम लोग क्वार्टी फोन से जब स्मार्टफोन में आए थे, लोगों को हेजिटेशन होता था, लोगों को मोबाइल रखने में हेजिटेशन होते हैं, आज बिना व्हाट्सएप के काम नहीं चलता है। तो प्लीज इस सीएलपी को प्रमोट करिए। नेक्स्ट प्लीज। जैसा हमारे फिनटेक कंपनीज वाले कह रहे थे, हमारे पास अपना ओन सैंडबॉक्स है, प्री अप्रूव्ड बिजनेस जोन का डाटा है। यदि आप सिर्फ हमारे यहाँ करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, एब्सोल्युटली नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। आप 20 लाख तक का कोई व्यक्ति, बिना उससे हम पूछे, हम आपको प्री अप्रूव्ड बिजनेस जोन देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक पेज का डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट प्लीज। EDFS के बारे में ये हम लोग, ऑडियंस को ये पता होगा, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी वेंडर फाइनेंसिंग पे जो इंटरेस्टेड होंगे उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट, मारुल प्रेस के बारे में, यहाँ तो जेंट्स बैठे हुए हैं, बाकी ये स्कीमेटिक है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं आप। स्टार्टअप फंडिंग, इस पर मेरा आप लोगों से फोकस जरूर है कि स्टार्टअप्स की रीड प्लीज हमें दीजिए। स्टार्टअप की जब आप रीड देंगे, यू कांट बिलीव, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज आपकी, जो सबसे जो सर ने कहा कि रैंड लेबर कैपिटल और उसके बाद माइंडसेट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों के पास आइडियाज तो होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है तो बैंक की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाते हैं। यहां मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे। हो सकता है कि आपने एक अच्छा सा किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया हो, कोई एक एंजल इन्वेस्टर कह रहा होगा कि हाँ आप आइए, हम लगाने को तैयार हैं, लेकिन वाकई आपकी जो नीड बेस्ड असेसमेंट है उसको हम लोग टाइमली करने में हम आपकी मदद करेंगे। यकीन मानिए, किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट करने में हमें उतना ही दुख होता है, क्योंकि हमारे हाथ से बिजनेस जा रही है। जितना आपको एक अपने कस्टमर को छोड़ने में दुख होता है ना, उतना दुख हमें होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि राइट डायरेक्शन पे हम और आप साथ चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जब आदमी बिजनेस कर रहा है तो चाहे बैंकिंग हो, चाहे दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उसमें रिस्क तो रहता है, और रिस्क रहता है तो डूबने का खतरा भी रहता है। लेकिन यदि हम सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो डेफिनेटली इट कैन बी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट प्लीज। आगे पैकिंग क्रेडिट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, यदि टाइम मिला और आपके क्वेश्चंस को जब मैं लूंगा तो ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये PCFC, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, एक्सपोर्ट बिल आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, डिजिटल लेंडिंग लाइफ के बेनिफिट ऑफ डिजिटल लेंडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में स्टेट बैंक इसमें बहुत एग्रेसिव है। और एक तो मैंने आपको बताई था कि प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन तो हम दे ही रहे हैं, इसके अलावा अब हमारे सारे स्टॉक स्टेटमेंट डिजिटलाइज हो रहे हैं। जो लोगों को किसी भी MSME यूनिट्स के साथ जो ये प्रॉब्लम होती थी कि अपना वो रखे, और आपका रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के MIS के साथ ये बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट ये जरूर है कि आप अपने, आप यदि दूसरे बैंकों से भी जुड़े हों, जरूरी नहीं है कि आप स्टेट बैंक के साथ ही बैंकिंग करें, लेकिन यदि सलाह लेनी हो तो हमसे जरूर लें। हम यदि आपसे मिलते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं मिलते हैं कि यदि आपका हम आपके साथ हेलो भी करेंगे तो सिर्फ बिजनेस होगा तब करेंगे, अदरवाइज भी, इवन आप दूसरे बैंकों के साथ भी हैं तो एक बार हमें याद जरूर करिएगा फॉर योर बेनिफिट्स। हमारे लिए आपका इम्पॉर्टेंट, आपकी प्राइसिंग, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ जगह वी डोंट क्लेम कि हाँ सब हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। किस जगह हो सकता है हमारी प्राइसिंग बहुत सूटेबल नहीं हो, उस वक्त हम ये कहेंगे सॉरी, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग विद योर बैंकर इट्स ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, या दिस इज लास्ट वन ऑफ डिजिटल लेंडिंग ऑफ मॉडल्स फॉर MSME, इसको रहने दीजिएगा स्लाइड। नाउ क्वेश्चंस प्लीज।
My request to you, next session we will start before lunch. Lunch baad mein hoga, next session we will immediately be starting. One or two questions we want to take it. Anyone want to have a question, please? यदि क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब है कि किसी को अब अफोर्डेबल क्रेडिट में दिक्कत नहीं है. सर बताइए. What Z scheme? मेरे को नहीं आइडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है एमएसएमई स्कीम Z. आई एम नॉट अवेयर इफ इज देयर. क्या बता रहे हैं सर? ये जो क्वालिटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए जो स्कीम है, एक नई स्कीम आ रही है एमएसएमई यूनिट्स के रेटिंग्स से रिलेटेड है. एमएसएमई यूनिट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है. करेक्ट. और बहुत जल्दी हमारी बैंक जेड रेटिंग के हिसाब से बहुत सारे कंसेशन लेके आ रही है. हाँ. सर्कुलर अभी आया नहीं है बट ये आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है. अविनाश सॉरी सुजीत, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करो क्या बता रहे हैं? सर एक्चुअली एमएसएमई उसने मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी एमएसएमई यूनिट्स हैं वो अपनी रेटिंग करवाएंगे. उसमें तीन तरह की रेटिंग है, डायमंड, प्लेटिनम और सिल्वर. हाँ, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड है. और जिनकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी इसका ये मतलब है कि वो यूनिट उतनी ज्यादा एफिशिएंट है, वर्किंग में भी, प्रोडक्टिविटी में भी और प्राइसिंग में भी. मतलब उनके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पिटिटिव है मार्केट में. और हमारे बैंक ने ये तय किया है कि जेड रेटिंग के हिसाब से हम डिफरेंट यूनिट्स को बहुत तरह के कंसेशन देंगे, प्रोसेसिंग चार्जेज में, प्राइसिंग. अभी हम कुछ कम दे रहे हैं क्या? सर अभी सर्कुलर नहीं आया है. जहां तक मेरा ये कहना है, जिस यूनिट को वाकई देखिए, जो अभी जो इनकी बात हो गई ना कि अच्छे लोगों को तो सब लोग बुला के देते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में जिन जो यूनिट्स ऐसी हैं जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है या जिनका जो बिजनेस मॉडल अभी इतना एफिशिएंट नहीं हो पाया है, तो क्या उनको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हमारी SB1 रेटिंग और SB10 रेटिंग के बीच में? नहीं, इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन हाँ. इससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. हाँ ठीक है, इस रेटिंग पैरामीटर. एक तो यह है कि आप अपने आप को जब रेट कराएंगे तो ये आपको बढ़ेगा. बट इट वाज नॉट ए जेड स्कीम, इसका नाम तो जेड स्कीम नहीं था. जेड स्कीम ही है सर. जेड स्कीम है. अच्छा, ओके. डिटेल सर्कुलर अभी येट टू बी रिलीज सर. थैंक यू. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज? फ्रॉम योर साइड नो क्वेश्चन, तब तो अच्छी बात है. वी कैन वाइंड इट. तो इसका मतलब है कि everybody is getting affordable credit, in the next session nobody will say. Excuse me. आप मुझे ये बताइए कि MSME को अगर आज 2 करोड़ की जरूरत है और उसकी कोलेटर सिक्योरिटी आप दबा लेते हैं 10 करोड़ की. अच्छा, राइट. 2 करोड़ में भी आप उसके ऊपर ये कंडीशन लगाते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है, आपकी सेल कितनी है. अगर आपकी सेल कम है तो उसके ऊपर 20% देते हैं आप. अच्छा. जैसे आपकी सेल 1 करोड़ की है तो हम तो कुछ नहीं, हम तो 20 लाख रुपए देंगे आपको. प्रॉपर्टी आप 10 करोड़ की दबा रहे हो, अगले की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की है, लेकिन आप ये कंडीशन लगा देते हो कि आपका टर्नओवर नहीं है. अब जब अगले का कोविड में टर्नओवर ही खत्म हो गया और उसको अभी जरूरत है कि मेरे स्टाफ का मुझे पेमेंट करना है, मुझे मेरे रेंट का पेमेंट करना है, आप उसको बोलते हो नहीं जी आपका टर्नओवर नहीं, इसलिए आप उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, क्या ये जस्टिफाई है? आपका क्वेश्चन सही है. कोई ऐसा यूनिट है एक्चुअली, कोई लाइव यूनिट है क्या? हाइपोथेटिकल पूछ रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं. नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है. दैट इज प्रैक्टिकल है, ये है. आप लोग नहीं देते हैं. मैं आपको 50, मेरे पास राजस्थान दुकानदार महासंघ के 500 मैं आपको एग्जाम्पल लाके दे दूंगा जिसके साथ में ये हो रहा है. okay. कि आप उनकी प्रॉपर्टीज दबा लेते हो, उनके कोलेटरल सिक्योरिटी आप पर ऑलरेडी पड़ी है, आज 5 करोड़ की पड़ी हुई है, और आप वो कहते थे मेरी लिमिट थोड़ी बढ़ा दीजिए, 25 लाख, 50 लाख रुपए बढ़ा दीजिए, 10 लाख बढ़ा दीजिए. नहीं नहीं नहीं, आपकी सेल ही नहीं है, हम नहीं बढ़ा सकते. उल्टा जो हमारा EMI है वो हम दीजिए, कहां से लाके देगा वो EMI? पर ये आप लोग करते नहीं है, और उसके साथ उसका खाते को NP कर देते हो, फिर वो बेचारा जाके वो कोर्ट के अंदर जगजीजी करता रहता है. थैंक यू सर, प्लीज बैठ जाए. ये आप और इसमें जो ताली बजाएं उन दोनों साहब को मैं बता दूं कि बैंक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 2 करोड़ तक का कोलेटरल लेना प्रोहिबिटेड है, नंबर एक. यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, और स्टेट बैंक एक ऐसा बैंक है, हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के इसमें लोन करते हैं, दैट इज एसेट बैक्ड लोन. हमारे यहाँ एसेट बैक्ड लोन का इंटरेस्ट रेट दूसरे लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है.
क्यों आप ये मान के, अब ये बताइए कोई आपसे मैं ये कहूं कि आप 50% कोलेटरल दीजिए और कैश फ्लो बेस हम आपका लिमिट एसेस करेंगे और मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 दूंगा, लेकिन आप कोलेटरल लेके आएंगे डबल अमाउंट की, यानी मान लीजिए आपको 1 करोड़ चाहिए, आप 2 करोड़ की कोलेटरल लाइए, उसमें मैं आपसे इंटरेस्ट रेट 7.25 दूंगा, मतलब इसमें 7 ले रहा हूं तो 7.5, आप कभी मेरे को ज्यादा कोलेटरल देंगे सर? हमारे यहाँ मार्केटिंग में इशू ये होता है कि साहब ये बताइए कोलेटरल रेट लिंक्ड जो रेटिंग है वो लिटरली हमारे पास ज़्यादा है उसकी प्राइसिंग। तो यदि ऐसा कोई मिथ है और यदि स्टेट बैंक में कोई ऐसा अकाउंट है तो सर प्लीज हम लोग की नॉलेज में ले आइए। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब विथ एनहेंसमेंट हम लोग कोलेटरल का कोलेटरल डाइल्यूट हो जाती है, वो हम नहीं बढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड कई बार ड्यू टू कॉम्पिटिशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत महान है, ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिकॉज अदर बैंकर्स आर ऑल्सो देयर, उनके जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में देखते हुए हम कोलेटरल को इन नेचर, मैं आपको बता दूँ कि कोलेटरल इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अस। आपके पास बहुत अच्छा कोलेटरल हो लेकिन आपका कैश फ्लो नहीं होगा तो शायद आपका लोन डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन आपके पास सिर्फ ओनली द कोलेटरल होगा ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। एंड लास्ट वन थिंग वर्ड मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए जहाँ तक कोलेटरल की बात है ना, बिजनेस आपका कैश फ्लो से ही आता है। कोलेटरल का सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर हमारे यहाँ रखे हुए हैं जिसका हम आपसे कोई लॉकर रेंट चार्ज नहीं दे रहे। दिमाग में आप अपने, अब बैंकर आपका है, कोई भी बैंकर हो, SBI या कोई भी बैंकर हो, यदि कोलेटरल आपने अपने पास रखा हुआ है तो हम कोई वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर कोलेटरल एंड वी आर रिकवरिंग द मनी। वी आर नॉट द मनी लेंडर्स, वी आर बैंकर्स। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस सेशन विल प्रूव टू बी यूजफुल फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स। तो आई एम थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड बख्शी जी, श्री डॉक्टर मुकेश कुमार जी, मयूर पीयूष जी, मिस्टर SBJ कुमार जी। आई थिंक देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन, टाइम कंस्ट्रेंट इज देयर। इफ एनी क्वेश्चन योर ओन साइड प्लीज सेंड टू द फिकी और सेंड टू मी, वी विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। तो देयर नो पॉइंट फॉर दैट। एनी कोलेटरल सिक्योरिटी वॉट टॉकिंग अबाउट हिम, आई थिंक समवेयर इफ इट इज ए SME financing, they have taken a working capital limits, only collateral is there, then problem will be there. So you can ask loan against the property. I think there is no statement they will ask, they will not ask anything. I think that is the best recourse we lay with us. Lastly, now we present a momentum to our guest speakers. Dr. Mukesh Kumar. Now there is an announcement for all the participants. The session will be starting just now and lunch will be thereafter. Okay, please wait for the next session. Thank you very much for your patience hearing. I think you must be getting something, and please send your feedback to us also so that we can improve in further session also. Thank you very much. Then request her to come over. She is general manager of Exim Bank. She started her career. I shall request, please, for our MSME fraternity who are mainly in export, please cover the area how they can benefit from the Exim Bank of India's so many initiatives, and especially Ubharte Sitare and other hub and spoke models and others which you have taken up. Thank you.
Bank of India to this event. This is Meghna here. I have been with Exim Bank for about 20 years, and thank you for that kind introduction. My colleague Aditesh is also here. It's an absolute pleasure and honor to be here. And I'm sure there will be questions, and we are having it pre-lunch, so you know, happy to interact with all of you during lunch, and Aditesh is also there with me for any questions. So I'll just quickly sort of go through. So see, our topic of course was integrating MSMEs with global value chain. I thought we'll just do a quick, so I hope everybody understands global value chains, you know. So it is, you know, in today's scenario, almost 70% of the world's international trade involves global value chains. To put it in a simple layman term, it is basically today a product which is being manufactured could have raw material coming from a different place, a component coming from a different place, eventually until the final output comes out of it. And but if I were to look at some quick statistics in terms of India's participation, what my research group gives, you know, the India's participation in the global value chains is actually relatively lower, in the sense of about 33%. As you all can see on the slides, we are a little lower compared to some of the other Asian countries. When you say global value chain, there is a backward integration, you know, when a item comes into India, we value add and then either consume or sort of push it out. And second is when we forward integrate, that, you know, India exports out and then it becomes a part of the production process. So there our percentage is 19%, but this just basically displays that how much potential is actually there for us to do better in this sector. I think from the MSME's perspective, it is very important that MSMEs today try to become a part of this, you know, global value chain. Let me tell you, export is the best form of competitiveness today. If your company is into exports, then I think you have sort of set that benchmark. So today, if an Indian company is integrating into a global value chain, you're becoming, you know, sort of a vendor or a supplier to a large global MNC, you're already sort of met their onboarding processes. It is eventually going to, you know, what we have listed, you know, enhance your own brand value, get access to finance, and also increase your technical capabilities over the period. From morning, the sessions have been interesting. I'm not going to repeat the importance of MSME today, you know, from the Indian context. We all know that, you know, MSMEs today contribute 50% of India's exports. But what we also should understand that out of that 50%, there are even less than 5% of SMEs who are contributing to the country's exports. So I think it is important that more SMEs should sort of come into this space to increase the country's exports. Rajasthan, I mean, I'm sure the speakers here, I'm not going to delve too much time on this slide. You know, the country, of course, is the largest, 11th state in terms of exporting from the country. But what I could make out of this, you know, while there are exports, I think a lot could be done in this particular space. MSMEs numbers, what our research groups gives us, about 25 lakhs MSMEs who are you know, engaged in manufacturing and 36 lakhs over in engaged in services. But the bottom line is significant potential exists for doing high value added exports in various, whether it is machinery, auto components, pharmaceuticals, organic chemicals, etc. So, you know, now I was urged to sort of focus on Exim's support towards MSMEs and, you know, how can we today help you to integrate into the global value chain. But before that, a very quick thing, and I think it is important, let us understand who we are. You know, again, Export-Import Bank of India is not, you know, a commercial, you know, public sector bank today. You know, our big brother, State Bank of India, is sitting here, the largest public sector bank here, or the private sector bank. So Exim, we were set up in 1981. Commenced operations in 1982. We are wholly owned by Government of India. So this year we actually complete 40 years of operations. It is a financial institution, a very specialized financial institution towards export credit. Now, how you have the other four FIs, you know, you similarly, you know, for example, you have NABARD for agriculture, you have NHB for housing, you have SIDBI for MSMEs, Exim is for export credit, and ECGC is also there. They are towards export insurance. I thought I'll just make that so the audience is clear. So you'll not find branches
branches of Exim in nooks and corners, so it doesn't operate like a commercial bank. But I'll just quickly highlight some of the flagship programs for which Exim is of course known. So one is, we are a policy lending institution on behalf of Government of India. So what do I mean? For example, when a Government of India extends bilateral assistance to various countries, you know, whether it is Nepal or Bangladesh, Sri Lanka today, not in terms of the best shape, but that assistance is extended through Export-Import Bank of India, and large project exports out of the country are being supported. So today almost 50-60% of our balance sheet comprises these lines of credit extended to various sovereign countries. But apart from that, today Indian company, we also extend buyer's credit, where we actually give the loan to overseas entities, and Indian exporters are doing so, they do not have buyer's risk as well as country risk. Now under these lines of credit as well, there are, you know, SME companies who have benefited from these lines of credit. I would really urge you all to go through our website as well, and of course our contact details are there. Any queries that you all have, we'll be happy to answer. So Exim of course remains a large supporter of project exports. We also do a lot of non-funded business, you know, in terms of when Indian companies are executing contracts overseas, they need advance payment guarantees, they need performance guarantees. That is something that we do. Our outreach to SMEs also remain a lot in the form of refinance, you know, where we refinance commercial banks, you know, for their pre and post shipment credit portfolio. So one thing we have to understand, anything that Exim does, there has to be an export linkage, a cross-border aspiration. Otherwise, the Indian banking system is well developed to cater to every sort of funding requirement, you know, that any of the exporter today can have. So if you are exporting, it's a clear mandate fit. But if you are not, at least the export aspiration has to be there. Apart from that, after doing our policy business, we also do commercial loans. I mean, of course, today, if you are an exporting company, any sort of term loan, whether it is an SME or a mid-corporate or a large corporate, any sort of funding requirement you have, we finance through various term loans for various purposes. There is working capital. Again, when I say working capital, please bear in mind, when you all start banking with Exim Bank, you are not going to open any current account. We ourselves rely on the network of the commercial banks present in India. So there is not a cash-in, cash-out sort of thing what is happening. But some of the other things that we do, for example, which, you know, export product development or, you know, export marketing fund to increase your presence in overseas markets, overseas investment, you know, basically help Indian companies go global. So, you know, you're setting up a joint venture or a wholly owned subsidiaries, we help there. R&D finance. So these are some of the things which we do, which I wouldn't say is, it's a little different, and sort of the risk comes a little higher with these sort of product categories as a lending institution. Now, I want to focus on one flagship program of ours, and which is the Ubharte Sitare program. Hindi Ubharte Sitare, we all know, when I speak in international forums, I have to say Rising Stars program, because Ubharte Sitare is very much a Hindi word. But this program, as a background, I wanted to say, was announced by the Honorable Finance Minister in the budget of February 2020. And there, of course, after which COVID happened. But last year in FY21-22, this program has gained traction. And we at Exim Bank are really excited, you know, by the opportunities that it sort of comes up with. Now, so very quickly, what is the Ubharte Sitare program, you know? It is basically identifying Indian companies that have the potential to be future champions, but with, you know, export in your horizon. I think that is very important. Now, when I say we aspire to, so basically our target universe in this particular Ubharte Sitare program are small and medium enterprises. Naturally, if you're a large company already, you really don't need that sort of a hand-holding support. So we are typically looking at small and medium enterprises. But then does it mean, is it an SME finance? Actually, SMEs are the largest beneficiaries under the Ubharte Sitare program. We are looking at those SMEs who have the potential to scale up, means grow faster. Now, how does that potential to scale up comes, you know? Either you have an innovative product, or you have some, you know, interesting process or a differentiated technology, or let's say you're catering to a niche market. So there is some edge. So if I were to put it in Hindi, aap mein wo khas baat kya hai in terms of your business model? What does the promoter bring on the table, you know, in terms of its depth? And if that is what is going to help you scale up, I think Ubharte Sitare program, we are trying to identify such companies. And I have quickly mentioned, you know, the objectives. We want to identify and nurture such companies. We want to give them hand-holding support and eventually to help the country's exports, economic growth, employment. Today, everybody spoke, MSMEs generate a lot of employment. I think the overall macro
objectives are the same. Now to do that, we of course participate with industry associations. Today I'm speaking at this FICCI seminar as well, but we are also talking to a lot of academic institutions. For example, the IITs, the IIMs, and they have incubation centers where a lot of product development is sort of taking place and trying to identify such companies. Now, again, here we want to say the value proposition is if you are a growing company, we are not here to come and replace any of your existing banking structure. We want to come and work along with you to take you to the next level. So if you're banking with SBI today, you are banking with any other bank, Exim would sort of want to come in and help you to the next level. I'm sure you need more banks as you sort of, you know, grow up. SIDBI is our partner institution in this program. So along with SIDBI also we look at co-financing, you know, opportunities. I just thought, so under the Ubharte Sitare program, what are our offerings? So today you are an MSME, let's say with a differentiated potential and has the potential to grow. So debt, I think all of us understand, and a lot of was spoken in terms of collateral and things. So debt is of course term loan, working capital, or it could be non-funded facilities. But under the Ubharte Sitare program, we are doing very interesting, and it is a new space in the sense that we are doing equity as well. So a fund was launched called the Ubharte Sitare Fund. Now the fund actually takes equity investments into the companies, you know, either equity or equity-like instruments, and this is sort of, you know, helping these companies to grow up. Exim on a select basis also looks at equity investments directly into companies, and some cases we could look at structuring as equity and debt as well. So Ubharte Sitare Fund is a very, very interesting. Again, they are also looking at companies who today, let's say, are could be even in the turnover range of 50 crores or let's say 100 crores, but tomorrow are looking to grow around 700, 800, 1000 crore, you know, sort of growth levels. The promoters are seeing that sort of vision to grow. There is also a small grant component, what we called as technical assistance. Now this is again sort of, you know, tried to be combined with either one of the debt or something. Now this grant component is a very need-based assistance. So let's say today you, some company wants to do a US FDA certification, or they want to participate in overseas sort of entities. So along, it has to sort of align with your whole business plan, and a small grant component could of course be considered. So these are the broad three offerings under USP. I'll just quickly give some examples, you know, which we have done. As I said, the program gained traction last year, and till now we have done sanctions of about 387 crores until March 31st, 22, combined of, you know, fund-based and non-fund-based. And as I said, identification of companies is very important, and every picture that is displayed here are the products by various companies, and everything has, every example has a very interesting narrative as to how Exim Bank has supported. I'm sorry if I'm, I'll just take a minute more if that's all right. One is again all are, so if I were to say the turnover range of these companies today, the companies are one company is as small as having turnover of 6 crores to a turnover of up to 400 crores. So generally we will not cross turnover of 500 crores because honestly they don't need handholding support. We are sector agnostic. If we were to look at our portfolio, what we have grown, it is auto components, it is engineering goods, you know, it is leather goods, it is defense drones. So this is a very interesting company, defense drone, and people talked about cash flow financing. I see all these young people, you know, they come into business, they really do not have anything collateral to offer. They do not have properties or, you know, something like that. So this is a defense drone company. As a banker, you know, it was very challenging for us to look at, you know, because they incur a lot of R&D and marketing expenses, and the numbers are sort of, you know, at a so projected numbers look very good. So as a bank, we had to take a call. So here they received a large contract from Ministry of Defense, and we sort of chipped in because they beat international competition. So, you know, it was import substitution, and it was important for us to increase their export capability creation. So first demonstrate yourself in the home market, and then, you know, it opens the doors for you in the export markets. The contract value was so large, so as for Exim, it was either go full way, and we took a very large exposure and it paid off. And this successfully executed. Now here, there was really nothing in terms of security, and we had to escrow the receivables of that particular contract as security primarily, and sort of go ahead. But this is a wonderful example. Another is a Hyderabad-based company, which is sort of, you know, they make these virgin plastic granules, you know. So basically, whatever is our garbage, these water bottles that we drink and we throw, they collect this, they make these granules. And today, MNCs are buying from them to sort of, because Exim has
intervened. They are targeting to look at Bangladesh and the nearby SAARC countries. Another very interesting, very smallish company engaged in phospholipids, you know. Now, this is the only company from India which supplies mRNA COVID vaccines to Pfizer and Moderna, and that was a story good enough for us to support this company. Now, I'll just quickly take two examples. Integrating with global value chain, you all can see some leather companies or Delhi-based company, and supplies to a global leather brand, you know. So here is a story of a small company, but which is able to meet the product certifications of a global major. And this is exactly what is integrating, you know. So if any one of you are SMEs today, I'll just quickly cover. So as you can see in the auto component state, one is a Punjab-based company, one is a Pune-based company. Now, fundamental R&D develop products, and today their products are finding space in engines of big names, you know. So these are the kind of, one case we have supported with a R&D loan, another case we have supported with an equipment loan because they had to, so you know, steel pistons going out of India. Indian automobiles are not yet geared, we do aluminium based, and steel pistons was an export oriented project. So this is exactly how we are doing. So today we can have so many Indian companies, you know, small companies which we may not be even aware, and which is why this dissemination is very important through such platforms, and thank you for Fiki for doing this. So today you could be a small company, but let's say supplying to Amazon. I saw Amazon as one of the names, you know. Amazon worldwide globally sources from India. You know, you could be a supplier of a sports good to a Decathlon worldwide. You could perhaps be a supplier to IKEA or a Zara or a Inditex or a Prada. So what is this? It is Indian companies trying to integrate into global value chains. And this sort of space certainly excites us because these are good stories to say, and these becomes examples. You do one and then it is easy to replicate, right? So at Exim, we are very passionate about this particular program, and we are trying to identify such companies. There are other companies as well, you know, very interesting, fundamentally into manufacturing and, you know, showing huge potential to sort of, one is a supplier of parts to Boeing and things like that. So, and today they are small, but the sort of, when we interact with the promoters, it gets us all excited. So I thought I'll just quickly mention one very last thing. I'll just before I close, what we call as grassroots initiatives for development. So, you know, whether you are an artisan, or this is a completely grant-based sort of support that we do. Now, if you're a rural artisan, or let's say a cooperative society or an NGO sort of helping artisans to come in a big way, Exim engages in capacity building for these groups. I thought, you know, since we are speaking today here, there is a lot of thing. So it is not like a sort of support which goes out to an individual, but let's say rather to a community sort of a thing. Sometimes there could be clusters as well, where common facility center options also could be looked at. So we have given, for example, you know, design development training, which we gave to weavers from Varanasi. We have Varli artists, we gave them product and design development. In some cases, we also tried through, we have 10, you know, 9 offices overseas. We tried to place their product overseas, and some of them, like, you know, Mohammed Mustafa in Singapore, you know, it's a large store. We were able to place some products of these companies there as well. So these sort of thing. We also do a Exim Bazaar. So somebody who are engaged in that, you know, we try to call artisans, and we hold this bazaar generally on an annual basis to come and participate in these exhibitions. They keep happening. Last year it was in Mumbai and in Ahmedabad. So we keep doing that as well. I thought I'll just quickly mention, I'll finally close. I know I must have taken some time. We have also recently launched, you know, I mean, it is something called as a trade assistance program. I'll just quickly explain the concept. Now there, if it's, let's say, an Indian company, you know, it is, let's say, wants to export anything. Let's say today you want to export to Ghana. Now the bank, it is a LC-based transaction. So there are LC-based transactions and there are open account transactions. Now this is typically for LC. For open account, you have factoring and various other sort of options. I think Drip Capital also spoke. But as far, whenever it is an LC-backed transaction, now this bank opens an LC. Now your bank here, you know, where you want to discount the LC may not have limits on those banks, or they may not know them. But Exim knows them because of our, you know, overseas institutional linkages. Now in this case, you know, we will be very, we are trying to onboard in Indian commercial banks as well as overseas banks. And once the LC is opened, Exim adds this guarantee on top of that. So today this is going to encourage SME exporters to, you know, leave aside the traditional markets of US and Europe where India is doing well, but rather look at more challenging markets such as Africa or let's say, you know, Latin American shores, you know. So I thought I'll just quickly mention. Rest, of course, me, I and Aditesh are available for any questions. I hope it was helpful. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you very much for nice coverage. Yes, Exim Bank's connect with the common public or MSME is not that much. But at times I feel that when large lenders can approach Exim Banks and ask that please lend us on the LIBOR plus rate, MSME do not have that kind of facility. So through SIDBI or some other mechanism, if some international rate denominated mechanism can be worked out, definitely interest subsidy, apart from the interest subsidy, which we get in packing credits and all that, if we can get the very competitive rates and Exim Bank can help, that would be great. So, of course, in question answer sessions, definitely some questions will be forthcoming for you, and I'm taking pleasure in introducing Mr. P. R. Sharma, Chief Executive Officer of Rajasthan Export Promotion Council, and definitely he is close to our heart because we all exporters want to know, and after this COVID period, how your efforts and your initiatives are helping and can help further in really bouncing back. This we all are aware that after COVID, bounce back in demand and because of the geopolitical reasons of the China being put on this back burner or side and preference given to India, there is a lot of opportunities. So I invite, let me give an introduction. So he's a Rajasthan Industry Service Officer from 1995 batch and has worked as a Deputy Resident Commissioner, New Delhi, Deputy Commissioner of DMIC, General Manager of Udyam Pratoshan Sansthan, RUDA, DIC Pali and Dosa, and he has also worked as UNIDO Cluster Development Program. You are most welcome. Please give your views. थैंक यू सर. आज इस एमएसएमई कॉन्क्लेव के अवसर पर आपने आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद. एक्सपोर्ट पे अभी मैडम भी बता रही थी एक्जिम बैंक से, मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि हम एक्सपोर्ट में कहां थे और अब कहां पहुंचे हैं. सबसे पहले ये बताऊं कि एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट था, स्टेट का कोई सब्जेक्ट नहीं था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स से एक बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया और बोर्ड ऑफ ट्रेड के माध्यम से स्टेट से ये अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि चूंकि एक्सपोर्ट एक्चुअली होता स्टेट्स में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसलिए स्टेट्स को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट में आगे आएं और प्रोएक्टिवली एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करें. ये पिछले 2-3 सालों से इस तरह का चला और हर स्टेट ने अपनी अपनी एक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबको रिक्वेस्ट किया. हमारा भी राजस्थान का जो है एक्जिम बैंक के साथ, जब माथुर साहब इसके, यदुवेंद्र माथुर साहब चेयरमैन थे, तो एक पैक्ट हुआ और हमने राजस्थान के एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक्जिम बैंक से रिक्वेस्ट किया. उन्होंने एक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाई. तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का जो बहुत पहले की बात है, मैं एक दिन एक भाषण, आज राजीव अरोड़ा साहब भी आए थे, उनका भी सुन रहा था कि वो बहुत पुराने एक्सपोर्टर हैं, तो बता रहे थे कि किस तरह से हमको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने से लेकर के और एक्सपोर्टर ढूंढने तक कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी उस टाइम पे. तो हमने उन हर्डल्स को दूर करने के लिए राजस्थान का इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्ट का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तैयार करने के लिए काम किया. तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट था, उसमें हमने एपेक्स लेवल पर एक राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन किया. ये जो REPCC है, ये चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है और इसमें बहुत सारे सेक्रेटरीज, इवन जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उनके भी मेंबर हैं. दूसरा, हमने एक स्टेट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया जो अक्रॉस सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स को देखे, क्योंकि अभी तक पिछले 3-4 सालों तक तो
स्टेट में कई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था, इवन रीजनल ऑफिस तक नहीं थे। तो हम किन परिस्थितियों में एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से, वो वास्तव में बहुत चैलेंजिंग थी। तो हमने एक राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी गठन किया और वो अभी चल रहा है, बट उसको थोड़ा हमने शेप दिया है। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने भी कुछ पॉलिसीज एक्सपोर्ट के बारे में बनाई, जिसमें एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मोदी जी का एक ये नारा था कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट तो हो। और हमने पिछले 3-4 सालों में जो मेहनत की उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे अब हर डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है राजस्थान से। मैं कोई पीपीटी नहीं लाया, बट अब एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया। दूसरा ये रहा कि डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब एक स्कीम बनाई, उसमें भी हम ये आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और हम इंडस्ट्रीज से और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं उनको दूर करने के लिए बताएं। किसी स्थान पर अगर कोई ICD बनना है या कोई एक्सपोर्ट सेंटर बनना है तो उसके लिए हमको बताएं, हम भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे और स्टेट में भी जो भी बजट अवेलेबल होगा वो उपलब्ध कराएंगे। अभी जो भारत सरकार का विजन है $5 trillion इकोनॉमी का, उसमें से मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि $1 trillion एक्सपोर्ट्स है। और पिछले साल हमने एक चीफ सेक्रेटरी साहब की जो डिसीजन था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदमी एक्सपोर्टर कैसे बने, उसको ये पता नहीं है कि मैं एक्सपोर्टर कैसे बनूं। तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो था मिशन निर्यातक बनो। और मिशन निर्यातक बनो को काफ़ी स्टेट लेवल से लेकर के हम डिविजनल लेवल पर लेके गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और क्लस्टर्स लेवल पर, इंडस्ट्रियल राज लेवल पर हमने इसको काफ़ी अच्छा चलाया। और हमने हमारे प्रयासों से करीब 7,000 से ऊपर एक्सपोर्टर लाइसेंस जारी कराए और उनको बिना किसी परेशानी के 5 मिनट में एक्सपोर्टर लाइसेंस जारी हो गए। तो ये एक राज्य सरकार का प्रयास था। इसके माध्यम से पिछले साल जो हमारा एक्सपोर्ट 52,000 करोड़ था लगभग, इस साल वो बढ़कर के 72,000 करोड़ हो गया। तो एक 36% का जो इजाफा हमारे एक्सपोर्ट्स में हुआ वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, सरकार और सारी एजेंसीज के साथ मिलकर के जो एफर्ट्स किए उन्हीं का रिजल्ट है। भारत सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन एक्सपोर्ट की अवेयरनेस, इसको जागृत करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हर आदमी वो हर MSME वो अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वो सामान्य रूप से ये समझता है कि ये परेशानियां हैं एक्सपोर्ट में, कौन जाएगा, किस तरह से कस्टम क्लियरेंस होगा, किस तरह से हैंडलिंग होगा। इन परेशानियों की वजह से जो रियल मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपोर्टर नहीं बन पाता और उसका माल कोई लोग और एक्सपोर्ट करते हैं जो कई बार उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो हम इस तरह से ये नहीं सिद्ध करना चाहते कि हम कोई एक्सपोर्टर्स को हतोत्साहित करते हैं या मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स को हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हमारा माल एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन जो रियल MSME है उसको उसका फ़ायदा भी मिले, उसको उसकी क्वालिटी का भी पता चले कि किस तरह की क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है। ये सारी चीज़ें करने के लिए जैसे आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, इस तरह के प्रोग्राम्स की सख्त ज़रूरत है। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे कॉनकॉर से विराजे हुए हैं, कॉनकॉर का बहुत बड़ा योगदान है कि
लगभग 14-15% कॉस्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स की है, जो बहुत हाई है हमारे यहाँ पे, और इस कॉस्ट को हमको करना है 4-5% पर। इस कॉस्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने अभी 2019 से एक सेपरेट लॉजिस्टिक डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शुरू कर दिया है। एक इसी बजट में पीएम गति शक्ति योजना पूरी तरह से लागू कर दी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स में भी होने लग गया है। तो ये सब का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। दूसरा हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, और भारत सरकार ने भी ये निर्देश दिए हैं और हमने भी ये फिर SLBC को कहा है कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को एक एजेंडा बनाया जाए, जिससे वो हर महीने एक्सपोर्ट में कितना फाइनेंस किया बैंकों ने उसका रिव्यू हो, उसका मॉनिटरिंग हो, और एक्सपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी उसमें विचार विमर्श किया जाए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी। क्वालिटी के लिए भारत सरकार द्वारा अभी BIS को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, कई इंडस्ट्रीज के लिए तो नोडल एजेंसी ही अपॉइंट कर दिया, लेकिन इतना एक्टिवेट कर दिया है कि आप जब भी किसी क्लस्टर में, किसी इंडस्ट्री में कोई भी BIS से संबंधित इशू हो, कोई भी क्वालिटी से संबंधित इशू हो, तो आप तुरंत उनको बुला सकते हैं, और किसी तरह का अगर आप कोई क्वालिटी स्पेसिफिक या प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए या आपके रजिस्ट्रेशंस के लिए कोई भी इश्यू हो, तो आप क्लस्टर लेवल पे भी उनको बुला सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी यही बताना चाहूँगा इस शॉर्ट टाइम में कि एक्सपोर्ट्स के, MSMEs के एक्सपोर्ट्स के लिए हर एजेंसी अभी एक्टिवेट है, सब तैयार हैं। सिर्फ ये है कि आप को किस से संबंधित जानकारी चाहिए उस एजेंसी में आ सकते हैं। उद्योग भवन में हमारा जो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अभी अस्थायी सा ऑफिस है, बट हम वहाँ काम कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई सेवा की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की जानकारी की ज़रूरत हो, तो आप आ सकते हैं। इस अभी भी हमारा जो मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम है ये चल रहा है, इसको हम एक बार और एक रीलॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे इसका, और इसको वापस से एक बार शुरू करेंगे, जिससे इसकी अवेयरनेस सब तक पहुंचे, किस तरह से निर्यातक बनते हैं ये जानकारी सबको मिले। और कोई हमारी तरफ से जो भी जानकारी की जरूरत हो, आप तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वेरी वेल सेड शर्मा साहब, यू टच्ड अपॉन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस एंड क्वालिटी। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स, एंड देन फिक्की इस तरह की सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करके कनेक्ट करता है जो MSME सेक्टर, जिसके पास में आपको रीच आउट करने के सारे एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, एंड हियर वी आर गेटिंग टू नो फ्रॉम देम हाउ दे आर डूइंग। एंड यस, फिक्की विल कीप ऑन सपोर्टिंग यू फॉर वॉट एवर क्वेश्चंस और वॉट एवर क्वेरीज यू फर्दर हैव। सो इन दैट, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट लॉजिस्टिक्स, एंड वेन आई वॉज डूइंग सम पर्टिकुलर प्रोफेशनल वर्क इन बैंकॉक ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स अगो, आई नोटेड दैट फ्रेट रेट्स वर distinctly high for any sector from India to another country. It was something like 4-5 times higher than if it is to Far East countries or Middle East countries, say from USA or some other place. So, and then, and last year after COVID and this other issues, freight rates have gone astronomically high. So this is a very burning point which we all are facing. So when we talk of the logistics, I have pleasure in inviting Mr. Sunil Gupta, Chief General Manager of Container Corporation.
He is a 1998 batch officer of Indian Railway Traffic Services and worked in Indian Railways at various divisions and zonal railways and various capacity and vast experience of the field of passenger and freight logistics. He is posted as a Chief General Manager, Area First Concord, as Head of Rajasthan, and looks after multimodal park at Neemrana ICDZ at Jaipur, Jodhpur, Kota and Udaipur. He has undergone training at INSEAD, Singapore, ICLIF, Kuala Lumpur, NW Jintao University for High Speed Railway at Chengdu, China, and APEC Port Training Institute, Antwerp, Belgium. So he brings litany of international experience also in freight. So yes, he is a very right person to address to our logistics issues and high cost issues which we are facing. And I invite Mr. Sunil, please come and give your views. Thank you very much. Dignitaries of the dais, ladies and gentlemen. The topic of the today's panel discussion is integrating MSME with the global value chain. So the two keywords we will discuss will be the MSME and integrating it with global value chain, and what is the role as Container Corporation of India can play in this. When we talk of linking our MSME with the global value chain, we mainly talk about our exporters, importers, which as a part of a link in the value chain contribute to the bigger value chain of export, import and logistics. And as a part of Container Corporation of India, I look after all the major terminals of Container Corporation of India in Rajasthan. Our major terminals are at Khatuwas, which serves entire region from Manesar, Neemrana, Bawal, Dharuheda, and Gilot and all those industrial areas. Then other our terminal is at Kanakpura. We have one terminal at Jodhpur. We have one terminal at Kota. And one terminal presently is a domestic terminal only at Udaipur. But soon Udaipur Himatnagar meter gauge line is opening on broad gauge. So that will again provide a new flip to that region, because it will connect Udaipur area to the port via shorter route. Presently, we are not able to compete to road rates, because the route via rail is very longer. So once this line gets open, it will be a good opportunity for exporters and importers in that region to connect to ports of Mundra, Pipavav. As a policy, we have been providing a lot of, we have taken a lot of initiative as Concord, and these initiatives are dynamic. We keep on changing as per the market conditions. For example, when I start talking about COVID, so the problem which came up with COVID is that the availability of export containers suddenly dried up. That was because of the reduction in the import traffic, and Concord stepped in that, and we started bringing in empty containers from port, and we discounted the rates. Even rail freight rates, we provided discount of 50% to the our export traffic. The traffic originating from Concord terminals, we bore the 50% cost of container bringing them to the ICD. Similarly, we also provide a lot of schemes, like we have provided volume discount schemes at Kanakpura, Kota, Khatuwas, and Jodhpur also. And in addition to this, we also provide various, like for example, in Jodhpur, solar import is a major import coming. So there they were finding some logistic cost issues,
and so we provided special reduced handling rates also. We reduce our handling rates so that the in overall logistic chain we can fit in Concord. So that way we have been providing a lot of small changes, and I'm proud that in entire export scenario of Rajasthan, the major export commodities are handicraft, then guar gum is there, rapeseed, this de-oiled cake is there, stone traffic is there. This is the traffic, most of which is originating from MSME sector. And as a Concord, we are providing in very important link connecting them to the global value chains. So that way, we are able to connect to the chains, and we are also coming up various new terminals also. For example, in Jodhpur, we last year we faced a lot of problems because it's an old terminal and it's on railway land. It's a small 10-acre land or plot of land. So we are coming up with a big terminal on about 100-acre plot of land. And we are in advanced stage of land acquisition. And similarly, we are also coming up with a bigger terminal on dedicated freight corridor for Jaipur. Presently, our terminal is in Jaipur city. It's still again a smaller terminal. Presently, it's able to cater to the present traffic needs, but it won't be able to cater to the traffic needs maybe some 10 years hence. So we have coming up with a very big terminal, 166-hectare terminal near Phulera. And the land acquisition process is also in advanced stage, and we are in it. Similarly, in Kota also, we have started. In Kota, earlier a lot of stone traffic was originating from Kota and surrounding areas. But since it's a mine traffic, the present mines in and around Kota got exhausted. So a lot of the traffic now shifted to the Bijoli area. So to cater to that traffic, we have now come up with a small terminal at Mandalgarh. Presently, it is a container rail terminal only. And we are providing a facility of direct port export, direct port import. And we are also in planning to set up a full-fledged inland container depot, maybe 4 to 5 years hence. So these are the various activities which we have been carrying out in Rajasthan. And apart from serving the bigger customers, since most of the customers contributing to exports are from the MSME sector. So that way we are providing a useful link to export traffic. As far as the cost of exports are concerned, as it has been told, they have gone manifold. Many factors has been, international factors are there, corona factor was there, again war factor came in, and consolidation of shipping lines took place. So in entire this logistics chain, costing Concord has a very small link. In addition to Concord, there are shipping lines are there, and logistics service provided, custom house agents are there. And but we are on our side, we are trying to reduce our, because we also have to face a lot of competition from the private operators. So that competition in itself plays a good role of that it reduces the margins. So we have also been trying to bring our margins low and make it more competitive, and that way we are able to contribute. Thank you. If any issues are there, we can discuss during the question hours. Thank you very much. It was an informative presentation. Now I shall invite Mr. Sanjeev Kumar Sahu, Assistant General Manager, ECGC Limited, who joined ECGC Limited in the year 2000 as probationary officer, and 20 years he has completed and worked in different locations in North India.
and he has worked in marketing, underwriting as well, and headed a team of claim processing center in northern region. He is presently posted as liaison officer at Northern Regional Office, New Delhi, and responsible for liaison with various government of departments. And I requested him to especially cover the area of the ECG coverage for the exports made by our MSMEs, where I have been told about 35% coverage is there. If LC portions are left out, many exporters suffer for the problem of the failed debts, bad debts. So how ECG can help, and whether its cost is high or not, and how to get this coverage, please cover that also. You are most welcome to present your views. Good afternoon, everybody. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो हम लोगों ने सेशन कंप्लीट किए उसमें हमने क्या देखा, हाउ टू गेट अफोर्डेबल फाइनेंस, बहुत अच्छा, हमें ऑर्डर मिल गई, हमें फाइनेंस मिल गया, सर ने लॉजिस्टिक के बारे में बताया, सर ने यह भी बताया कि हम एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, सब कुछ होने के बाद आपने एक्सपोर्ट कर लिया, और जब एक्सपोर्ट हो गया उसके बाद अगर आपको पेमेंट नहीं आती है बायर से, क्योंकि जैसे आपको क्रेडिट चाहिए अफोर्डेबल, वैसे आपके बायर को भी क्रेडिट चाहिए आपसे, बिना क्रेडिट का इंटरनेशनल मार्केट में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पैसे नहीं आए बायर से, तो ये जो सारा प्रोसेस है हमारा, फ्रॉम गेटिंग एन ऑर्डर, हैविंग अफोर्डेबल फाइनेंस, गेटिंग चीपर लॉजिस्टिक, ये सारा इन वेन हो जाएगा, पर्पस डिफीट हो गया, देन आप क्या करोगे? देन अ वर्ड कम्स इन ए माइंड विच इज इंश्योरेंस, ऑब्वियसली, और इंश्योरेंस में भी जब हम एक्सपोर्ट में क्रेडिट इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक नाम जो आता है दिमाग में वो है ईसीजीसी। ईसीजीसी लिमिटेड इज सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957। इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वी आर हैविंग 46 ब्रांचेस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया विथ 4 रीजनल ऑफिसेस। मैं यहां पे नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस से आया हूं, हमारी ब्रांच जयपुर में है, आनंद भवन आप सभी को पता है, जयपुर में हमारी एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है जो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस में, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में यहाँ के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट दे रही है। जयपुर के साथ साथ जोधपुर में भी हमारी एक ब्रांच है। तो ओवरऑल यदि हम देखें, यदि हम राजस्थान पर्टिकुलर की बात करें, तो ये हमारा एक बहुत ही हम कंसिडर करते हैं बहुत ही अच्छा नॉर्दर्न रीजन का पार्ट है। इनफैक्ट अगर हम इस तरह की बात करें कि ये क्या बिजनेस वॉल्यूम कवर हो रहा है ईसीजीसी के नॉर्दर्न रीजन में, तो करीब करीब 30 से 35% का जो बिजनेस वॉल्यूम है नॉर्दर्न रीजन में वो हमें यहां से आ रहा है, जो हम अपने डाटा या रिकॉर्ड से देखते हैं। नाउ बैक टू क्रेडिट इंश्योरेंस, अगर आप याद करें क्रेडिट, तो क्रेडिट वर्ड के सेंटर में ही रेड है, आरईडी रेड, देन इट्स क्रेडिट। रेड का मतलब हम लोग को बचपन से पता है, लाल का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट जो है वो ऑब्वियसली अपने साथ कुछ ना कुछ रिस्क लेके आता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्रेडिट से भाग जाएं। क्रेडिट को डील करना, दैट टू इन इंटरनेशनल क्रेडिट, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो क्रेडिट है उसको डील करना, ये हमें करना है, और ये हम कैसे करेंगे? तो नाउ ईसीजीसी, आई बिलीव आप सभी को पता होगा ईसीजीसी। ईसीजीसी में बेसिकली हमारे दो वर्टिकल्स चलते हैं, दो तरह की सर्विसेज हम रेंडर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। एक क्लाइंट्स हमारे हैं जो बैंकर्स हैं, एक क्लाइंट हैं हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं।
अब एक्सपोर्टर्स को जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं तो हम उनको क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 2 करोड़ का है और ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 5000 करोड़ का है। सबके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्रोडक्ट है ईसीजीसी के पास। अब अगर मैं बात करूं एमएसएमई या एसएमई सेक्टर की तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 5 करोड़ तक की है देन हम आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं विच इज कॉल्ड स्मॉल एक्सपोर्टर्स प्रोडक्ट पॉलिसी। और इस पॉलिसी में जो सबसे खास बात है इसमें कवर परसेंटेज जो नॉर्मली क्रेडिट इंश्योरेंस इंटरनेशनल मार्केट में होती है 80-85%, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये जो कवर परसेंटेज है यानी इन केस ऑफ एनी लॉस फ्रॉम योर बायर हमारा जो आपको कवरेज रहेगा वो 95% रहता है। सो दैट इज आई बिलीव अ ग्रेट हेल्प टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स हुज टर्नओवर इज लाइक विद इन 5 CR। और इसमें एक और अच्छी चीज मैं ऐड करूं कि जब हम रिस्क की बात करते हैं तो बेसिकली हम वो रिस्क देखते हैं कि अगर बायर ने पैसे नहीं दिए, अगर माल गया और माल बायर ने पिक नहीं किया जिसको हम बेसिकली नॉन एक्सेप्टेंस या रेपुडिएशन कहते हैं, तो हम वो रिस्क को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्क जो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं जैसा कि अभी बहुत लोगों ने देखा होगा पिछले 2-4 महीनों में जब ये यूक्रेन रसिया चालू हुआ तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई बहुत सामान तो हम पहुंचा ही नहीं पाए, बायर लेने को तैयार है लेकिन हम वो सामान डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी जो हालात बनती है जिसमें कि कंट्री का रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है इसको हम कैटेगराइज करते हैं पॉलिटिकल रिस्क में। तो देयर आर 2 रिस्क ब्रॉडली डिवाइडेड इन क्रेडिट इंश्योरेंस, 1 इज कमर्शियल रिस्क, 1 इज पॉलिटिकल रिस्क। अंडर कमर्शियल रिस्क व्हाट वी आर कवरिंग, वी आर कवरिंग डिफॉल्ट ऑफ द बायर, जिस बायर से आप काम कर रहे हैं अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है। वी आर कवरिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर हम इस पेंडेमिक की बात करें तो इस पूरे पेंडेमिक में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट सेगमेंट था वो आरएमजी सेक्टर था, जयपुर बहुत अच्छी तरह विटनेस किया इस चीजों को, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, वहां भी हमारे राजस्थान के एक्सपोर्टर जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने काफी अच्छा उनका रोल है तो उनको भी काफी दिक्कत हुई है। तो वैसे जगह पे अगर इंसॉल्वेंट बायर हो रहा है, पेंडेमिक में बहुत ज्यादा बायर इंसॉल्वेंट हुए हैं, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो वहां भी वो रिस्क कवर होती है क्रेडिट इंश्योरेंस में अंडर कमर्शियल रिस्क कैटेगरी। तीसरा रिस्क जो मैंने पहले जिक्र किया जिसको हम रेपुडिएशन या नॉन एक्सेप्टेंस का रिस्क कहते हैं, आपको ऑर्डर आ गया, आपने माल बना लिया, आपने माल भेज दिया बायर के पास, बट बायर वहां पहुंचने पे बायर बोलता सॉरी आई एम अनेबल टू टेक, कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर उसने माल लिया ही नहीं। देखिए जब तक माल बायर नहीं ले रहा है तो माल का जो ओनरशिप है वो आपके पास है, माल का अगर ओनरशिप आपके पास है तो दैट इज नॉट एट ऑल अ क्रेडिट, जबकि क्रेडिट इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी है जिसको हम अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे सूरत में जब ये क्रेडिट ही नहीं है तो हाउ वी कैन कवर इट एंड हाउ वी कैन थिंक ऑफ इट कि ये रिस्क कहां कवर होगा। तो बीइंग एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दो इट इज नॉट कम्स अंडर द क्रेडिट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, हम इस पर्टिकुलर रिस्क को भी कवर करते हैं। और हमने देखा है पिछले ये 6-8 महीने में ये रिस्क में हमारे पास जो डिफॉल्ट आए हैं, हमारे पास जो जिसको हम क्लेम बोलेंगे यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो ये क्लेम बहुत आए हैं जहां पर रेपुडिएशन वाली बात आती है, जहां पे ये बात आती है कि भाई ऑर्डर तो दे दिया माल भी निकल गई लेकिन माल निकलने के बाद पार्टी ने माल लेने से मना कर दिया, तो माल या तो हाई सी में है या फिर माल जो है डेस्टिनेशन पोर्ट पे है। तो वैसे सूरत या उस तरह के रिस्क को भी ईसीजीसी अपने कमर्शियल रिस्क कैटेगरी में कवर करता है और उसमें भी हमारा कवर परसेंटेज जो है वो छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए 95% है, एक तरह के प्रोडक्ट में 80% है और एक दूसरी तरह के प्रोडक्ट में 90% है। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कवर परसेंटेज, 1 इज 80, 1 इज 90 और 1 इज 95। 95 फॉर एसएमई ऑब्वियसली जिनका 5 CR से कम टर्नओवर है। तो अगर हम देखें ये हमारा कमर्शियल रिस्क का सेगमेंट हो गया,
इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क की। पॉलिटिकल रिस्क में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई कंट्री का यदि फेलियर होता है, जैसे जो अभी रिस्क हम देख रहे हैं यूक्रेन रसिया में, ये रिस्क हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई कल को यदि स्वेज कनाल, जो कि एक्चुअली मेजर रूट है हमारा यूरोप के ट्रेड का, और यूरोप का ट्रेड इंडिया का ऑलमोस्ट 35% है, तो वैसे हालात में अगर स्वेज कनाल पे कुछ दिक्कत आती है, तो वो भी तब जब आपका माल निकल गया हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें होगा क्या, बायर माल लेने को तैयार है, आप माल देने को तैयार हो, लेकिन आपका जो रूट है वो बंद है, तो वैसे सूरत में दो ही चीज होगी, या तो बायर माल जाएगा या फिर वो केप ऑफ गुड होप जाएगा, अफ्रीका होकर के जाएगा, या कुछ और रूट लेंगे। तो वैसे सूरत में होगा क्या, आपकी जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक की वो बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये कॉस्ट बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, ये कॉस्ट के लिए ना तो बायर जिम्मेदार है, ना एक्सपोर्ट मतलब हमारे एक्सपोर्टर बंधु जिम्मेदार है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज बेसिकली कम्स अंडर पॉलिटिकल रिस्क। तो ये भी हम कैटेगराइज करते हैं पॉलिटिकल रिस्क में, और इसमें भी हमारा जो कवर परसेंटेज है वो 90, 95 और 80, जैसा कि जैसा भी पॉलिसी आप ऑप्ट करते हैं उसके हिसाब से हम आपको ये कवरेज देते हैं। तो मैं जो मैंने चालू किया था बात कि कुछ चीजें हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, उन रिस्क उस पे भी हमें सोचना चाहिए, वो पॉलिटिकल कैटेगरी में आते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। अभी हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देख रहे हैं, श्रीलंका इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंट्री रिस्क। जो कंट्री रिस्क अपीयर हो रहे हैं वो श्रीलंका एक बहुत ही अच्छा हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर फ्रेंड ऐसे हैं जिनका काम श्रीलंका में है, मैडम भी बोलेंगी, एक्जिम बैंक का भी कुछ प्रोडक्ट में लैंडिंग रहा होगा, रहा है श्रीलंका में। तो वैसे जगह में हमारा रोल है कि जिन केस पे जिस भी रिस्क को हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है, जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हमने इंश्योर कर लिया ECGC ने, उस पर हम अपनी कवरेज दे रहे हैं। अगर उस पर पेमेंट नहीं आती है, ECGC डेफिनेटली आगे आएगा उस पर क्लेम देने के लिए। और आगे भी जो हमारे क्लाइंट श्रीलंका के बायर से काम कर रहे हैं रेगुलरली, और आज की डेट में उन्होंने उस बायर पे हमसे कवर ले रखी है, तो हमारी कवर बीच में बंद नहीं होगी। हम उन पर्टिकुलर एक्सपोर्टर क्लाइंट को जिन्होंने ऑलरेडी हमसे श्रीलंका के बायर पे कवर ले रखा है, रसिया के बायर पे कवर ले रखा है, हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे। हाँ, सर्टन उसमें कंडीशंस बोलना गलत होगा, उसमें ये होगा कि यू हैव टू अप्लाई अफ्रेश, आपको दोबारा हमें अप्लाई करना पड़ेगा विथ अ कन्फर्म्ड ऑर्डर की कॉपी के साथ, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो रिस्क कवर कर रहा है ECGC, दैट इज कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। और इसमें जो है आपको देखना क्या है, क्योंकि जनरली लोगों के ये सवाल आते हैं कि भाई क्लेम आपका कैसा होता है, क्लेम किस तरह आप देखते हो। तो मैं 2017 से लेकर के 2021 तक, 2017 से लेकर 2021 तक नॉर्दर्न रीजनल क्लेम प्रोसेसिंग सेंटर में रहा हूं, मैंने एक टीम को हेड किया है, और इन चार साल के दौरान जो हमने देखा है कि इनफैक्ट मैं यदि आपको पिछले 2 साल का डाटा दूं, तो इन 2 सालों में नॉर्दर्न क्लेम प्रोसेसिंग सेंटर से करीब करीब 400 क्लेम पे हुए हैं, 400 एक्सपोर्टर्स को क्लेम पे हुए हैं, और इन 400 क्लेम में से तकरीबन 80 क्लेम जो हैं वो हमारे राजस्थान के हैं, यानी हमारे इन 2 ब्रांचों के हैं जिसमें जयपुर और जोधपुर है। तो ये तो एक डाटा है, बट इसमें बेसिकली क्लेम में हम देखते क्या है, अगर हम क्लेम की बात करें ब्रॉडली कि क्लेम में ECGC देखती क्या है जब वो क्लेम प्रोसेस करती है। तो क्लेम में बहुत ही छोटी चीजें देखी जाती है, एक तो ये है कि आप ये देख लें कि जो आपके ECGC के यानी इंश्योरेंस के टर्म्स हैं, प्रीमियम होना चाहिए और आपने टाइम से हमें प्रीमियम दिया होना चाहिए, ये चीजें हैं। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि आपकी जो ऑर्डर कॉपी है, उस ऑर्डर कॉपी में जैसा टर्म्स लिखा है आपने उस हिसाब से एक्सपोर्ट किया हो। सपोज एक्सपोर्टर को चाहिए कि वो माल चाहता है कि उसको क्रिसमस सेल में माल बेचना है, और आपने शिपमेंट ही किया यहां से दिसंबर में, तो दैट विल नॉट वर्क। तो ये चीजें हम ब्रॉडली देखते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको ले लें। तो थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच
I was really surprised that I was also not aware that if a good do not reach the destination, that risk is also covered, or if political risk and others are also covered. And this is a something, yes, this is learning for all of us. And I'm sure that all exporters must be taking care of that. And in future, definitely, they will be benefited by it. And now, our own fraternity representative, Mr. Vimal Shah, who is from Garment Export Association, and he would be presenting. So this is the last person standing between lunch and us, but because he is going to present our views, so I think everybody would like to stay and note how we are really facing the problem and how these panelists can offer help to us for the real problems which we are facing. And Mr. Vimal Shah is President, Garment Exporter Association of Rajasthan, a leading apparel exporter. And we have seen a lot of cyclical market uptrends. Upon a time, the garment industry was performing so well that whole Sitapura was completely chock-a-block, and then came the downturn. And so how do you really face it, and then how all friends can benefit from this experience, and yes, what? But of course, please remember that you are waiting, keeping them waiting. Namaskar, thank you very much. Thanks, Vicky, really good session. Sab baatein hui. Sharma sahab hai, sarkar kya kar rahi hai, inhone bataya, madam paise dene ko tayyar hai, maal bhi Concord se jayega hamara. रिस्क आप हमारी कवर कर रहे हैं, ईसीजीसी, मैंने भी इनसे क्लेम लिया था, रियली फैंटास्टिक प्रोडक्ट जो भी तक मिसिंग था. तो मैं प्रोडक्ट के लिए हूं. आई एम फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री, रिप्रेजेंटिंग गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान. बस 5 मिनट लूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा. जयपुर पूरी दुनिया में फेमस है, जयपुर प्रिंट्स के लिए हमें हर कोई जानता है, दुनिया जानती है जयपुर को, और बहुत फेमस है. करीब करीब 2 लाख मशीन आज की तारीख में जयपुर में चल रही है. हम लोग करीब करीब 20 लाख पीस पर डे बना रहे हैं. इसमें से आप मानिए ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट होता है, 50% डोमेस्टिक मार्केट के लिए जाता है. ग्रोइंग इंडस्ट्री है जयपुर, एक बहुत बड़ा लेडीज वोवन मार्केट के लिए बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है. हमने एक सर्वे कराया था अभी, और अगले 3 साल के अंदर करीब करीब 5 लाख मशीन जयपुर में चलेंगी, यानी कि करीब करीब हम लोग 50 लाख पीस पर डे बनाएंगे. अभी हम 5 से 6 करोड़ पीस महीने के बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हम 15 से 20 करोड़ पीस जयपुर में पर मंथ बनाएंगे. ये पोटेंशियल है जयपुर की. सरकार हमारी इसमें बहुत मदद कर रही है, डेफिनेटली शर्मा साहब ने बताया, बहुत सारी स्कीम है. सिर्फ एक जगह हमें जरूरत पड़ेगी. मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद इंडिया को काफी एडवांटेज मिला है. आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में भी हैं, चाइना से बहुत सारा बिजनेस इंडिया मूव हो रहा है, और डेफिनेटली होगा. बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये हमारे बिल्कुल कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सस्ते में माल बनाते हैं. लेकिन कोविड के बाद से हमारे बायर्स को इनसे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है. कपड़ा भी इनका चाइना से आता है, बटन, लेस, लेबल, टैग, कुछ भी इनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सब कुछ चाइना से आता है. तो हमारे जो बायर्स हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरीज नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से भी चाइना बंद है, अभी रिसेंटली खुला है. तो हर बायर, मैं भी पीछे जापान था, वहां भी मेरी काफी बायर से बात हुई, डेफिनेटली वो अपनी बाइंग का कुछ परसेंटेज इंडिया में मूव करेंगे, क्योंकि इंडिया में हमारे पास सब कुछ है, हमारा अपना कपड़ा है, हमारे पास अपनी एक्सेसरीज की सब कुछ है. हम मतलब हमें ना धागा, ना बटन, ना लेबल टैग, कुछ भी हमें इम्पोर्ट नहीं करना है. ये एक एडवांटेज है हमारा, तो हमारे यहाँ पे बिजनेस आएगा. लेकिन थोड़ी सी हमारी समस्याएं भी हैं, मेन है लेबर की, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है.
कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री आप लोगों ने अगर जयपुर में विजिट की होगी तो आपने देखा होगा हर इंडस्ट्री में बहुत लेबर है, क्योंकि कपड़ा में पूरे सारा काम स्टिचिंग चेकिंग पैकिंग फिनिशिंग सब मैनुअली होता है। मशीन सिर्फ सिल सकती है लेकिन मशीन को जोड़ने के लिए लेबर चाहिए, कपड़े को जोड़ने के लिए लेबर चाहिए। सरकार इसमें काफी काम कर रही है लेकिन इसकी सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में जरूरत है लेबर की, क्योंकि अगर ऑर्डर आएंगे तो माल बनाना उसको डिलीवर टाइम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट में एक टाइम जो है उसका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शर्मा साहब यहाँ हैं, एक्सपोर्ट मैंने कई मीटिंग अटेंड की है सरकार के साथ, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा फोकस अभी स्किल डेवलपमेंट में हो, बहुत काम हो रहा है स्किल डेवलपमेंट में, बहुत काम हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, अभी आंध्र गवर्नमेंट से उनके एक MLA और उनकी पूरी टीम आई थी राजस्थान के अंदर, वो एक्सपोर्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आंध्र में लगाइए। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रपोजल दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंदर मकान बनाए हैं हाईवे के ऊपर, जिसमें 120 मकान से लेकर के 1000 मकान तक है। वहां पे उन्होंने हर एक गांव के अंदर, यानी कि 100 मकान जहां बनाए वहां एक फैक्ट्री वो कहते हैं हम लगाएंगे, उस फैक्ट्री को लेबर उससे मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट में उस लेबर को ट्रेन करेंगे और वहां से हम अपना प्रोडक्शन बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी स्कीम लगी हमें, क्योंकि लेबर को गांवों से यहां लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फैक्ट्रियां गांव में चली जाए और हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो शायद हम राजस्थान में भी वो काम कर सकते हैं। यही मैं थोड़ा सा आपको गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता था, और बहुत पोटेंशियल है जयपुर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंटिंग in such a brief but lucid manner. And yes, labor has become a big problem, jewelry industry, garment industry, other kind of artisanal based industries, all are facing real problem. This has become a real burning issue of India today. So yes, there also we. And yes, this of course we will have the queries. What we will do is queries will be, but of course please let me present firstly the mementos to Ms. Meghna Joglekar, please. So what would we do is to whosoever have to ask some questions, please stay over there. I'm coming to you, please. I thought I wanted to call. Sorry, please. Thank you. Another for Mr. Sunil Gupta, please. Then for Shri Piya Sharma ji, please. Mr. Sanjeev Kumar sir. Yes. Apne inka nahi Vimal Shah ji ke liye. Mr. Sanjeev Kumar Sahu, please. Mr. Vimal Shah. Lastly, Mr. Vimal Shah. A small token of affection and from Vicky for your invaluable time and deep insights which you have provided in the presentations. So, whosoever wish to ask questions are welcome to stay in. And yes, lunch has also started. So, you are most welcome to have a sumptuous lunch as well as your questions also being answered. Please, thank you very much. So there must, yes, you have a question, please. So our RBI is, general manager is asking a question. Please pass on the mic to him.
I have one small question to Mr. Vimal Shah, that if we look at textile export, Bangladesh is doing very well. And this country was nowhere when it became independent. And today it has surpassed India as far as textile export is concerned. So what are the policy steps which India is taking? You really appreciated that state government is really helping you. I'm not too sure how much help and support you are getting from the government policies. What we understand, the labor policies which are prevalent in Bangladesh, they have helped Bangladesh in growing their textile. So any take or any views from Indian side as to how this textile export can be further increased in India? सर ये कॉमन क्वेश्चन है हमारी हेलो कॉमन क्वेश्चन है हम लोग भी इसका आंसर ढूंढते रहते हैं इस पे बहुत डिबेट होती है हमारे सर मेजर जो प्रॉब्लम है लेबर की कॉस्ट वहां एवरेज सैलरी है 5000 से लेकर के 9000 की हमारे यहां पे आज की तारीख में टेलर की मिनिमम सैलरी 15000 तो हम कहीं पर भी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते सेकंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है वहां पे मोस्ट मॉडर्न मशीन वहां पे हैं टेक्नीशियन ऑल कम फ्रॉम चाइना वो उनको ट्रेनिंग देते हैं हमने इसके लिए राजस्थान सरकार में बात की मैं पीछे मंत्री जी से भी मिला था मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि साहब यहां पे एक टेक्सटाइल सेंटर बनाया जाए जहां पे आप जो बेस्ट मशीन्स हैं उनको हमारे यहां पे रखिए ट्रेनिंग दीजिए एक अगर मैं 50 लाख की मशीन खरीद लाता हूं लेकिन चलाएगा कौन चलेगी कैसे वो मशीन एक एग्जांपल देता हूं हम इंडिया में शर्ट बनाते हैं बेंगलोर में मैंने फैक्ट्री विजिट्स की हैं हमारे यहां पे शर्ट बनाते हैं करीब 60 टेलर मिलके एक शर्ट इन अ मिनट 60 मिनट में 60 टेलर एक शर्ट बनाते हैं वही शर्ट बांग्लादेश के अंदर चाइनीज स्टाइल से 26 टेलर बनाते हैं एक मिनट में रीजन टेक्नोलॉजी का डिफरेंस सर ये एक ऐसा इशू है मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए भी हमारे इंडिया में कोई मशीन नहीं बनती अभी मोदी जी ने पहली बार ये बात कही मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया अदरवाइज नीडल भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है लेबर को लेकिन मशीन नहीं बनाते सुई भी नहीं बनाते सब कुछ इंपोर्टेड है या तो वो चाइना से आएगी या जापान से आएगी या इटली से आएगी या जर्मनी से आएगी तो कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है जीडीपी हमारी चाइना बांग्लादेश की मेन जीडीपी आती है टेक्सटाइल से तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो टेक्सटाइल उनका तो एक ही है कि भाई टेक्सटाइल ग्रो हो लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है लेकिन ग्रो कर रहा है डेफिनेटली इंडिया लेकिन खुद की हमारी इंटरनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है तो हमारा कॉम्पिटिशन आज की तारीख में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ रिलायंस ट्रेंड्स सर अभी 1 करोड़ पीस महीने के जयपुर से वो खरीद रहे आने वाले टाइम में उनका प्लान है 2023 का 3 करोड़ पीस पर महीना तो सर हमें क्या है कंपटीशन बांग्लादेश के साथ साथ डोमेस्टिक भी उतना ही टफ कंपटीशन है तो मेन जो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा लेबर कॉस्ट का मेजर डिफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्नोलॉजी का मेन डिफरेंस दिस वॉज द प्रिसाइज क्वेश्चन विच आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग आस्किंग वाई ऑटोनोमेशन इज नॉट कमिंग इन बिगर मैनर आई शेल टेक यू वाई ऑटोमेशन इज नॉट कमिंग इन अ रियली बिग मैनर वैन द वर्ल्ड ओवर द थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफ यू नोटिस प्रिसाइजली दैट वी आर स्टिल वेरी मच मैनुअल लेबर ओरिएंटेड सो फर्स्टली यू प्लीज आस्क वन क्वेश्चन देन आई हैव वन क्वेश्चन विद मिस्टर पी आर शर्मा प्लीज पास ऑन द माइक टू हिम Thank you, sir. Although it's a very nice session, sir, and it's a great opportunity for me to talk to you and ask you something related to this. Sir, जैसे कि session में sir, exporters से लेकर के sir, manufacturing as well as labor तक की sir, बात हुई है यहाँ पर But sir, एक topic पर जहाँ पर बात नहीं हुई है that is the
लैंडिंग कॉस्ट टू द एक्सपोर्टर. सर कोई भी प्रोडक्ट हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं देन डेफिनेटली वी हैव टू फेस वन कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली. सो सर द लैंडिंग कॉस्ट शुड बी वेरी लो सो दैट वी कैन गिव एक्सपोर्ट इट विद अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. सो द क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ पॉलिसी इन इंडिया कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है सर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते वक्त सर कम से कम 8 या 10 तरह के बीच में चेंज होती हैं सर. एग्जांपल के तौर पे अगर हम शर्ट की बात करते हैं सर, शर्ट बनाने के लिए हमें बटन भी चाहिए, हमें उसके लिए स्टिचेस भी चाहिए, स्टिचिंग भी करनी होगी, मेक इट कंप्लीट चेंज सर. सो सर क्या हमने कोई प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि लैंडिंग कॉस्ट जो है एक्सपोर्टर को वो कम आए? जैसा कि सर बटन बनाने वाला भी 5 पैसा का बटन सर उसका 25 पैसा लेता है, 400% ही इज गेटिंग द बेनिफिट. इट्स एन एग्जाम्पल सर. सो इज देयर एनी काइंड ऑफ पॉलिसी टू कंट्रोल द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एवरी चेन सो दैट लैंडिंग कॉस्ट कैन बी ऑन वेरी लो साइड? थैंक यू सर. हेलो, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. सबसे एक लाइन का उत्तर तो इसका इकोनॉमी इज ऑफ स्केल. दूसरा हम कह रहे हैं जो ऐसा आपने शाह साहब ने बताया कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर इस लेवल का स्किल्ड होना चाहिए कि हम जो उनकी कैपेसिटी बनाने के उसके भी ऊपर जाएं. इसके लिए हम सरकार में कर रहे हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, टेस्टिंग और न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर स्पेसिफिक कर रहे हैं और बड़े कर रहे हैं, बहुत बड़े. जो अपन हम नाम आदमी भी बैठ के टेक्नोलॉजी की बात करता है कि नई टेक्नोलॉजी लाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं, तो टेक्नोलॉजी आएगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दिस इज टेक्नोलॉजी. हमको सॉफ्टवेयर्स के भी लाइसेंसेज बहुत हैवी कॉस्ट पे लेने पड़ेंगे और हार्डवेयर्स भी बहुत अच्छा लाना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे हर लेवल के टेक्नोक्रेट्स को देनी पड़ेगी, वेदर ही इज ट्रेंड फ्रॉम IIT और वो ITI. वहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो वेरिएशन है उसको सबको हमको उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाना पड़ेगा. जैसे गारमेंट सेक्टर में है, हमको पता है कि हम गारमेंट सेक्टर में जापान में और सब जगह लीडिंग है, लेकिन हमारी लेबर बिना टेक्नोलॉजी भी इतनी मेहनत कर सकती है कि वो ट्रेंड मैन पावर से भी अच्छा काम कर देती है. ये हमारा एक प्लस पॉइंट है हमारा कि हमारा जो वर्कर है वो इतना स्किल्ड है, वो इंटरनली इतना स्किल्ड है कि कई सेक्टर्स में देखा है कि बहुत अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड, अपनी ट्रेनिंग से बियॉन्ड वो काम करता है. मैं इसका एक ऐसा उदाहरण है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम केन के उसमें गए थे जहाँ पर ऑयल वेल पेड्स बन रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सब यहाँ से राजस्थान से 4 ड्रिलर बन गए, जबकि ड्रिलर्स पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड हैं, सैकड़ों में ही हैं. तो राजस्थान से 4 बन गए और वहाँ पर नए नए कॉन्ट्रैक्टर भी तैयार हो गए जो आज की तारीख में तेल का कुआं खोद के तेल निकाल सकते हैं. इस तरह का स्किल्ड लोग हमारे यहाँ राजस्थान में हैं. हमको और थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, वो करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन में ऊपर आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है. तो आपकी बात सही है और हम कर रहे हैं इस तरह का, सरकार कर रही है. No thanks. I think I'll just, since I'm sitting on the dais, I'll comment and feel free to talk to SBI. See, cost of credit is a very important question. You know, what is my interest rate? How much should I? Now, pricing is actually a function of risk, in the sense. जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सटर्नल रेटिंग हम कराते हैं. आप AAA रेटेड कॉरपोरेट हैं तो आपका एक रेटिंग है, बट SME सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अनरेटेड हैं. ओके, सो उस हिसाब से वो, सो यू नो, इसका कोई एक वाइल ही कवर सम ऑफ द अदर पोर्शन, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज नहीं रहता है ऑफकोर्स, बट फॉर सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल रूपी पैकिंग क्रेडिट, देर इज अ इंट्रेंस सबवेंशन, लाइक यू नो, वैन यू टेक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड थिंग्स लाइक दैट. जैसे यू स्टार्ट ग्रोइंग इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स, ट्राई अवेलिंग फॉरन करेंसी लोन्स, have hedging policies, you know, so there are ways to sort of, you know, reduce that particular cost of credit. But each country, the basic level of interest rates, what is there, you know, to wo to
that much minimum of course you will have to, but aisa koi standardized nahi hai ki iske liye aisa hai ya uske liye, no? So you will have to include that sort of a thing in your but otherwise there are options. For example, for long term you can look at foreign currency loans. If you are dedicated towards exports, look at euro based loans or something like that, huh? But ekdam for SMEs, like, you know, thoda sa balance sheet robust ho jaye, because then you should have active treasuries also. Like even in foreign currency lending, the LIBOR benchmark has now changed to SOFR based lending. So, you know, as companies grow up accordingly, ye sab thoda sa aur savvy ho sakta hai. Interest I've mentioned, but that is on exports mainly. And so I was also giving a thought to, not to your question, but to general overall view, that in India we have historically suffered from high interest rates, and insurance coverage issues have been there, and of late it has increased significantly, premium rates. Logistics cost were historically always high. Despite this, our country is performing so much, and then automation issues, and then now labor issues also. So Rajasthan Promotion, Export Promotion Council and other, if there is a certain kind of, you know, the senior policy maker influencers are sitting with us in terms of ECGC, in terms of Exim Bank and Concor and Rajasthan Promotion Council, Export Promotion Council. So if everyone keeps on working on the ecosystem, it will definitely help. Is there any other question? And one question is with Mr. P.R. Sharma. You mentioned about on the website, you mentioned about the scholarship to the exporters. What is that scholarship scheme? Is it, and this is on the first line. As such, scholarship कोई scheme state government में तो नहीं है. हम जो exporters हैं वो बाहर विदेश में जब exhibition करने जाते हैं तो हम उनका जो travel और वहाँ जो stall रहते हैं उसका reimbursement करते हैं 1,00,000 रुपए तक. अगर कोई भी exporter कहीं बाहर विदेशी exhibition में जाता है तो जो stall rent है उसको हम 1,00,000 रुपए तक reimburse कर देते हैं. ये हमारे स्टेट की स्कीम है. स्कॉलरशिप नहीं, ट्रेनिंग हम देते हैं. और अभी हम बायर सेलर मीट भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं. हम साहब से भी बात कर रहे हैं कि जापान में हम कुछ करें, क्योंकि जापानीज एम्बेसडर जो इंडिया के हैं उनका आया है, तो हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं और सेक्टर्स में भी करेंगे. स्कॉलरशिप ऐसा कोई स्कीम हमारे पास नहीं. जी इंश्योरेंस कॉस्ट पे बात हो रही है, तो इंश्योरेंस कॉस्ट पे मैं क्लियर करूं कि जो ईसीजीसी का जो प्रीमियम रेट है, बेसिकली वो 20 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था ईसीजीसी, तब जो वो रेट थी वो 2007 में हम लोगों ने रिवाइज किया, उसको कम किया. देन 2016-17 में जब ईसीजीसी 60 ईयर्स की कंपनी बनी, 60 ईयर्स हमारे पूरे हुए, उस समय हम लोगों ने रेट को फिर फर्दर उसको कम किया और वो करीब करीब हम लोगों ने 30% ऑन एन एवरेज प्रीमियम रेट कम किया. तो नाउ प्रीमियम रेट इज एक्चुअली ओवर द टाइम कम हुए हैं, ना कि बढ़े हैं, पहला चीज़ तो ये. दूसरा, प्रीमियम रेट नॉर्मली हम लोग बहुत सारा न्यूज़ देखते हैं कि भाई आईआरडीए के इंटरवेंशन से ये प्रीमियम रेट बढ़ गया, अभी आप मोटर इंश्योरेंस कराने जाओ तो आपके प्रीमियम रेट बढ़ जाएगी. बट ईसीजीसी में पिछले 20 सालों में प्रीमियम रेट कम हुए हैं, और अगर मैं 20 साल पहले और आज की रेट की बात करूं तो ऑन एन एवरेज वो 40% से कम हुए. ये तो हो गई परसेंटेज में बात. दूसरी बात ये है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रीमियम रेट होगा. मान लीजिए हमारा एक कंसाइनमेंट जाता है 10,00,000 रुपये का यूएसए में, और वो 10,00,000 रुपये का कंसाइनमेंट जो है हमारे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट पर जा रहा है, तो उसकी प्रीमियम रेट क्या होगी अगर मैं उसका 10,00,000 का रिस्क कवर कर रहा हूं, और अगर आपने एक स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ले रखी है तो कल को ईसीजीसी आपको 9,50,000 रुपया 9.5 लाख रुपीज आपको वापस करेगी, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए ईसीजीसी यूएसए पे क्या प्रीमियम लेगी. ईसीजीसी का जो प्रीमियम रेट होगा सर, वो 10,00,000 रुपये के लिए होगा 2,300 रुपये. जस्ट थिंक, 2,300 रुपया दे करके आप अपना 10,00,000 रुपये का रिस्क कवर करा रहे हो.
तो प्रीमियम रेट बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं है एच फॉर एच ECGC की क्रेडिट इंश्योरेंस की बात है, और फर्दर इसमें नो क्लेम बोनस जो है वो तो रहेगा। अगर आप हमारे कंटिन्यूड क्लाइंट हैं तो 50% तक नो क्लेम बोनस लीजिए, अगर आपका कोई क्लेम नहीं है तो ओवर द पीरियड आपका वो रेट जो हम बता रहे थे 2300 वो घट के आपका 1100 के आसपास हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द प्रीमियम रेट है फॉर ECGC। थैंक यू। ECGC की पॉलिसी मैं हर एक्सपोर्टर को रिकमेंड करता हूँ और हमेशा कहता हूँ लोग, मैंने भी इनका बेनिफिट लिया है। लास्ट ईयर कोविड में मेरे को कुछ एक बायर को प्रॉब्लम हो गई थी, मैक्सिमम शायद 2 महीने में मेरे को पूरे पैसे रिकवर हो गए थे ECGC। थैंक यू सर। दैट्स रिमार्केबल। यस, 2 मंथ्स फिर भी लॉन्ग पीरियड होता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस, जिसके अंडर में राजस्थान की हमारी 2 ऑफिसेज आती हैं। तो आई वुड लाइक टू लाइक आशीष जी, आदित्य जी को बोलूंगा जरा सा अपना परिचय दे दें। आदित्य जी हमारे ब्रांच हेड हैं यहाँ जयपुर में, और वो आनंद भवन में हमारी ब्रांच है। अगर आप लोगों को किसी को भी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो ECGC के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हमारे जो नियर ब्रांच है और आदित्य सिंह जी से। थैंक यू। सो दैट ब्रिंग्स द होल डिस्कशन टू द क्लोजर। यू ऑल आर इन्वाइटेड फॉर द लंच, प्लीज जॉइन अस। थैंक यू।